नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। शनिवार की रात चुपचाप यहाँ फेंक दें सात काली मिर्च, बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा, दुर्भाग्य होगा दूर, चमकेगी किस्मत। दोस्तों, शनिवार के दिन छोटे छोटे प्रयोग किए जाते हैं जीवन की तमाम मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए, शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए, रुका हुआ फंसा हुआ धन आने के लिए, कर्जों से मुक्ति पाने के लिए और जीवन की जो तंत्र मंत्र की बाधाएं हैं उनसे बाहर आने के लिए। जीवन में कभी कभी अपने ही शत्रु हो जाते हैं, पड़ोसी तो होते ही हैं। अब ऐसा नहीं कि हर कोई शत्रु है, अपने भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, पर अधिकतर लोग जलन रखते हैं हमारे कैरियर से, आपके कैरियर से। जलन रखने वालों को टॉपिक नहीं चाहिए, बस वो जलते रहते हैं आपकी कामयाबी से। कभी कभी तो इतना ज़्यादा वो परेशान करते हैं कि आप हार जाते हैं। तब ऐसे में क्या करें कि सब कुछ ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए? तब यानी कि सब कुछ ठीक करने के लिए आपको काली मिर्च के जो हम उपाय बताएंगे, इस उपाय को करना है शनिवार की रात। दोस्तों, इस उपाय को करने से शत्रु भी कदमों पर होगा और धन खींचा चला आएगा, धन इतना आएगा कि संभाल नहीं पाओगे और शत्रु विरोधी बड़े से बड़े मुश्किलें भी यानी दूर हो जाएंगी। काली मिर्च अगर हम ज्योतिष की माने तो इसके बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, टोटके किए जाते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपके किचन में होगी। और अगर भोजन में इसका प्रयोग करें काली मिर्च का, आपके स्वाद को भी अच्छा रखता है और आपके नकारात्मक शक्तियों को दूर रहता है। घर में शुभ और अच्छे वातावरण का प्रवेश होता है, भाग्य को बदल कर रख देता है। तो यह काली मिर्च मानता कि अगर आप इसे शनिदेव की अगर साढ़े साथी चल रही है, ढैया परेशान कर रही है, तब आप शनिवार के दिन काले कपड़े में थोड़ा सा काली मिर्च के कुछ यानी कि दाने रखकर अगर आप इसे दान कर दें या फिर पीपल के नीचे रख दें, किसी मंदिर के सीढ़ी पर रख दें, शनि मंदिर पर, शनिदेव के प्रकोप से मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ सिंपल सी चीज़ें तमाम तरह की जीवन की जो परेशानियां हैं उससे बाहर निकलने के लिए। कई बार क्या होता है कि आप दिन ब दिन उलझते चले जाते हैं, कर्जों में फंसते चले जाते हैं, बड़ी से बड़ी मुश्किलें परेशान करती हैं, कभी कभी इतना ज़्यादा परेशान करती है जैसे कि बीमारियां परेशान करती है, धन की समस्या परेशान करती है, पारिवारिक टेंशन है, शत्रु विरोधी टेंशन है, बहुत तरह की जीवन में टेंशन है। तब क्या करेंगे? बहुत सिंपल सा काम करना है, शनिवार के शाम काली मिर्च के आप यानी कि सात दाने ले लें, सात दाने ले लें या फिर पांच दाने ले लें। अब इनको आपको क्या करना है कि अपने सर से यानी कि सात बार उल्टे बार के घर से बाहर निकल जाएं। और फिर क्या करना है कि आप किसी ऐसे स्थान पर आप चले जाकर खड़े हो जाइए जहां पर चौराहा हो, चार रास्ता हो, ऐसे स्थान पर चले जाइए शनिवार की रात और कोई वहां पर टोके ना रोके ना, इस बात का ध्यान रखिए। ज्यादा सुनसान जगह पर मत जाइए। वहां पर जाने के बाद आपको आप अपने चेहरे को पूर्व दिशा की ओर करके या फिर उत्तर दिशा की ओर करके खड़े हो जाइए। एक एक करके आपको चार काली मिर्च चारों दिशाओं में फेंक देना है। पांचवा जो आपके ऊपर काली मिर्च है या फिर पांच से ज्यादा जो बच गया है उसको आप आसमान की तरफ फेंक दें, अपनी यानी कि विशेष मनोकामना बोलते हुए, और फिर वापस पीछे मुड़कर मत देखिए, सीधे अपने घर पर आ जाइए। आकस्मिक धन के लाभ के योग बनेंगे, जीवन में बहुत सारी परेशानियों से बाहर निकल पाएंगे, शत्रु विरोधी कदमों पर होंगे। आज हम शत्रु मुक्ति के लिए भी एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे, बहुत सिंपल है, आपको शनिवार के दिन कर सकते हैं, शनिवार की रात कर सकते हैं। देखिए, काली मिर्च आपको लेने हैं सात। अब काली मिर्च अगर शत्रु ज्यादा परेशान करें या फिर कर्जा ज्यादा आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, पराए हो या फिर कोई भी अपने हो, शत्रु तो शत्रु हैं, एक से ज्यादा अगर हैं तो ज्यादा आप ले लीजिए, यानी सबका नाम ले लीजिए और आपको सात काली मिर्च, अगर सात से ज्यादा शत्रु हैं तो सात से ज्यादा ले लीजिए, या फिर जितने आपके पास शत्रु हैं उतने ही आप काली मिर्च ले लीजिए और किसी भारी वस्तु से दबाकर इसको महीन कर लें, यानी कूटकर इसको पाउडर बना लें। मार्केट वाला मत लाइएगा, घर पर ही आपको साबुत काली मिर्च के पाउडर बनाकर फिर आपको क्या करना है कि कच्चे दूध से, गाय का अगर मिल जाए तो अच्छा है, और कच्चे दूध से आपको मिलाकर शनिवार के दिन आपको किसी भी जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और भगवान से प्रार्थना करना है, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। यकीन मानिए, शत्रु शांत हो जाएंगे। और आपको ये लगातार आपको तीन से पांच शनिवार करना है। एक प्रयोग और करिए, शत्रु विरोधी या फिर कर्जों से मुक्ति, शनि की साढ़े साथी ढैया से परेशानी से मुक्ति पाने के लिए आपको थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है और आपको काली मिर्च लेना है। काली मिर्च को कूट ले, जितने आपके शत्रु हों या फिर जितने, अगर मान लीजिए आपके पास कर्जे की समस्या है या फिर शत्रु ज्यादा है, तो आपको कम से कम यानी कि पांच, कम से कम पांच काली मिर्च लेकर इसको महीन करके कूट लें और इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल आप यानी कि लगाकर मिला लें और फिर ले जाकर आप यानी कि शनिदेव को, शनि मंदिर पर जाकर उनको
चंदन ये करें या फिर अभिषेक करें सरसों के तेल से, सरसों के तेल में डाल दें और अभिषेक करें। यकीन मानिए आपको 4 से 5 शनिवार के दिन ही शनिदेव की कृपा बरसेगी और सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, जो टेंशन वेंशन है, परेशानियां हैं, सब खत्म हो जाएगी। तो ये सिंपल सा प्रयोग आप इसे जरूर करें, लाभ जरूर होगा। मान लीजिए आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, जाकर भी कुछ नहीं पा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, एक छोटा सा आपको यानी कि काम करना है। कागज पर आपको शत्रु का नाम लिखना है और उसी कागज पर आपको काली मिर्च ले लेनी है और ले जाकर आप शनिवार की रात यानी कि किसी नजदीक के पीपल के वृक्ष पर चढ़ा देना है। दोस्तों इस उपाय को करने से शत्रु विरोधी या फिर कर्जों की समस्या या फिर किसी भी प्रकार की रोग दोष जो भी समस्या सब दूर हो जाएंगे और भगवान शनिदेव की कृपा बरसेगी। तो आपको शनिवार की रात यानी कि ये उपाय करें दोस्तों, एक छोटा सा प्रयोग और करें, विशेष लाभ होगा। अगर आपके घर में दिन ब दिन बढ़ती समस्याएं, कलह क्लेश या फिर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो आपको क्या करना है कि आपको काली मिर्च ले लेनी है और अपने यानी अगर व्यक्ति आपके घर में कोई बीमार है या फिर किसी प्रकार की समस्या है, तो आप अपने सर से 3 बार उल्टे बार के काली मिर्च और अपने मुख्य दरवाजे से अब बाईं ओर फेंक दें, यानी चुपचाप फेंक दें। यकीन मानिए सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, कष्टों से मुक्ति मिलेगी। तो इस प्रकार से आपको काली मिर्च का यह प्रयोग जरूर करना है, लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों कमेंट में लिख दीजिएगा जय शनिदेव और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय शनिदेव।